बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहिब कोटि कथी, कथने का मतलब बोलना, कथनी नहीं पावा जब लग गुरु मग नहीं बताया। एक बात ये सर्वमान्य साहब की वाणी में कोटिन योग एक अवराधे प्राणी बिन सदगुरु जीव की हन। सदगुरु शब्द का सृजन ही साहब के काल से हुआ है, समय से हुआ। आखिर क्या बात है, हम सब धर्मशास्त्रों में इस चीज को अनुभव करते हैं। हमारे पूर्वज ऋषि मुनि कितनी घोर तपस्याएं किए लेकिन उनका काम नहीं बन सका, अटक गए। आखिर क्या देता है सदगुरु, पारस सुरत संत के पास आओ मुख्य चीज है। उस सुरत से आपकी सुरती को चेतन कर देगा। गुरु समाना शिष्य में, शिष्य लिया करने बिलगाए बिलगे नहीं एक रूप दो दे। ये सुरती कंसंट्रेशन को कहते हैं। साहब वाणी में कह रहे हैं सूरत से लाया हूं वो नाम, कहन सुनन से नया रहा है, लिखा न जाए पढ़ा न जाए, बिन सदगुरु कोई ना ही पाए। साखी पद कोटिन वाणी, पुरुष एक है सुमरो प्राणी। नाम सुरत शब्द उचारा, यह सब दीन कीन संसारा। परम पुरुष को सुमरे कोई, जीवत मुक्ति संत की हुई। अब ऐसा है, देखिएगा, हम अगर तेल में हाथ डालते हैं तेल लग जाता है, पानी में हाथ डालते हैं पानी का अंश आ गया, गंदी नाली में हाथ डालें तो गंदगी आ जाती है। इसी प्रकार इस भौतिक शरीर से परे आपकी सुरती है, कंसंट्रेशन है। जिसका आप ध्यान करेंगे उसका रूप हो ही जाएंगे। इसलिए गुरु एक अदद ताकत है जो कि उस सत्ता के पहुंचा है। बिन अक्षर जो आरती करी सो गुरु भाव भाव नरक में पड़ेगी। जैसे नपुंसक शादी करे तो प्रासंगिक नहीं है, विवाह का मतलब ही जनरेशन चलाना है, वो ये नहीं कर सकता। इस तरह अगर वो परम तत्व की प्राप्ति नहीं है ऐसा कर रहा है, सो गुरु दगा शिष्य को देता। साहब ने इन सब चीजों को बड़ा सहज तरीके से बोला है। परम पुरुष को सुमरे कोई, जीवत मुक्ति संत सो हो। इसी तरह आप जिस चीज का ध्यान करते हैं उसका प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर आता है। कभी आप देखिए जब आपका ध्यान अतीत के किसी दुख में विषय पर जाता है, दुख मिलता है, आपके शरीर पर आपके चिंतन का बहुत बड़ा असर पड़ता है। तभी तो यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, चिंता तो सतनाम की और न चित्वे दास, जो कश्चित्वे नाम बिन वही काल के पास। साखी पद बोले भो ज्ञान वाणी, आदि पुरुष की खबर न जाने। जब तक उनकी सूरत अंदर में खुद नहीं जागी है, परम तत्व से भेंट नहीं हुई है, तो आपको नहीं जगा सकते हैं। शब्द साहिब का कितना सुंदर है, पारस में और संत में तू बड़ो अंतरो जान। वो लोहा कंचन करे वो कर ले आप समान। आप देखते हैं जब हम एक शिक्षक के पास पहुंचते हैं वो हमें शिक्षित कर देता है, हम जब एक इंजीनियर के संसर्ग में आ जाते हैं हमें इंजीनियर बना देता है। वाह, पारस लोहे को स्वर्ण बना देता है अपने स्पर्श से। पर साहब कह रहे हैं पारस में और संत में, पारस में और संत में तू बड़ो अंतरो जान।
वो लोहा कंचन करे ये कर ले आप समान। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे ये कर ले आप समान। पारस लोहे को पारस नहीं बना सकते, पर गुरु कर ले आप समान। गुरु समाना शिष्य में, अब गुरु शिष्य में कैसे समाते? वाह, गुरु समाना शिष्य में। गुरु अगर शिष्य में समा गया तो भेद नहीं रहेगा, फिर वो गुरु का तद्रूप हो जाएगा, जो जिसका ध्यान करेगा उसमें समा ही जाएगा। इसलिए एक पूर्ण गुरु पर साहब ने इतनी ज्यादा इतना महत्व दिया। अब नाना मत मतांतर भी यही कहानी बोल रहे हैं, नाम काल पुरुष क्या दे रहे हैं। मैंने हजारों जगह एक बात साहब की कही है, एक नाम को जानकर दूजा दे बहा है। आदि नाम का भेद न्यारा। अब यहां नाम की व्याख्या में साहब सीधा कह रहे हैं उस नाम का भेद ही न्यारा है। अब आदि नाम क्या, सार नाम सत्पुरुष का है। जब मैं ये बात बोलता हूं तो ठेलुआ लोग जंप लगाते हैं, ये तो साहब की वाणी है। बिन सतगुरु बुरा संसार। सोई जाने जाको बढ़ गया ना, गुप्त बताते नहीं पहचान। आदि नाम निज सार है, बूझ ले सोहंस। जिन जानो ने सतनाम को अमर भय ते वंश, उनके वंश भी तर जाएंगे। तारु तास 71 पीढ़ी। आदि नाम निज मंत्र है और मंत्र सब छार, राग को छार कर कहे कभी निज नाम बिन बूढ़ मुआ संसार। आदि नाम कह खो जाए प्राणी, जाते हुए मुक्त सहजानी। वो नाम इतनी चेतन दिव्य ताकत है, हमेशा आपको गाइड करती चलेगी। पुराने जमाने में जब हम किसी शहर में जाते थे तो पूछते थे भाई फलानी जगह क्या है, लेकिन आजकल एक नेविगेशन सिस्टम शुरू हुआ। जब नेविगेशन सिस्टम शुरू हो गया किसी से पूछना नहीं। मैं विदेशों में जाता हूँ, बस टैक्सी ड्राइवर को कहना हाउस नंबर 700 स्ट्रीट 700, घर के दरवाजे के पास रोक लेगा, वहाँ उतार देगा आपको। इस तरह वो नाम दिशा देता चलेगा, कृताकृत दोनों बताएगा। आप ध्यान देना, जब तक आप पाप कर्म कर रहे हैं, आप छल कपट कर रहे हैं, आप धोखा कर रहे हैं, आप व्यभिचार कर रहे हैं, तब तक आपकी रूह चेतन नहीं होगी। नाम रूह को चेतन कर देगा। आदि नाम खोजत बेटा जरा मरण का संशय बेटा। अब हजारों जगह पर इस नाम की महिमा साहब बोल रहे, पता नहीं क्यों दुनिया उस तरफ ध्यान नहीं दे रही। आदि नाम ने अक्षर साचा, जाते जीव काल से बांचा। जो दाना भूंज दिया जाता है वो अंकुरित नहीं हो सकता। जहां नाम तह कालगत नाही। मैंने एक बात को हजारों बार दोहराया है, अभी भी साहब का वजूद अध्यात्म जगत में वैसा ही है। जैसे रात्रि में 9 लाख तारकाओं में चंद्रमा, जैसे सूर्यमंडल में सौरमंडल में सूर्य, जैसे सरिताओं में गंगा, इस तरह साहब का वजूद है अध्यात्म शक्ति अध्यात्म क्षेत्र में। मैंने ये उदाहरण कई बार दिया, जितने भी धार्मिक पंथ है अध्यात्म के पंथ कहलाने वाले हैं, बिना साहब के उनकी गाड़ी चल ही नहीं सकती है, उनको लिए हुए, पर उनकी वाणी को रूपांतरित कर देते हैं।
आगे कह रहे हैं वो गुप्त नाम गुरुबिन नहीं पावे। भैया कैसा गुप्त नाम है, उसको एक संज्ञा नाम की दी है, वो कहन सुनन से बहुत परे हैं। जब लग गुप्त नाम नहीं जाने तब लग काल हटा नहीं माने। मूल नाम जय गुरु के पासा सोई जन को खोज दे दासा। मूल मंत्र है और सब शाखा, कहे कबीर मैं निष्के भाखा। लिखा न जाए कहे को पारा, कहने में नहीं है। लिखा न जाए लिखो में ना ही, गुरु बिन भेंट न होवे ताहीं। इसका मतलब है अगर मोती का एड्रेस लें तो वो बिना सीपी के होता ही नहीं है। मोती बिना सीपी के नहीं हो सकता। आजकल क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियल मोतियों को बना रहे हैं। देखिएगा बात कितनी बड़ी है। वो आर्टिफिशियल मोती भी सीप बनाती है। जब सीप ने वो मोती बनाया तो आर्टिफिशियल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये मोती बन रहे हैं आर्टिफिशियल। जो समुद्र में सीपी है वो शांति के जल को धारण करती है। समुद्र के अंदर जो शांति का जल है वो निर्मल है, वो अच्छा है। एक बार मुझे एक भक्त ने मोतियों की माला दी। उसने मुझे कहा गुरुजी ये असली मोती है। मैं हैरान हो गया। जब मैं देखा तो उस मोती का कलर थोड़ा मोती से अलग है। मोती तो ऐसा है, उस मोती को पकड़कर किसी तरफ देखोगे तो सामने वाला देखेगा इतना स्वच्छ है, पर वो मोती जो उसने मुझे दिया साफ नहीं था। मैंने उससे पूछा, ये मनुष्य बड़ा शातिर भी है, मैंने कहा ये मोती आप कहाँ से लाए, असली है? बोला गुरुजी मेरी बात आप माने, असली है, ये सीपी के द्वारा है। अच्छा, अब अंतर क्या हुआ, पपियरा हमेशा शांति की बूंद को लेता है, बाकी नहीं। यहां हम देखते हैं लोग कहते हैं वाटर क्यूरिफाइड किया, परिशोधित किया, हो नहीं पाता है। समुद्र में जो शांति बरसात होती है तो समुद्र में, बीच समुद्र में दूर कहीं दराज में, वहां मिट्टी नहीं है, नहीं पहुंच पाती है। इसलिए जो पानी नीचे आता है सीपी उसको धारण करती है, इसलिए वो जल निर्मल है। सीपी मोती गढ़ती नहीं है, स्वाभाविक उसके उदर में एक सिस्टम है, मोती उसके अंदर बन जाता है। सांप के अंदर विष बन जाता है, वो विष बनाता नहीं है, खान पान उसका ऐसा है कि उसके अंदर विष स्वत ही बन जाता है। मृगा की नाभि में कस्तूरी मृगा नहीं बनाता है,
कस्तूरी बीज से बनती है, मृगा के बीज से ही कस्तूरी बनती है, ऑटोमेसी है। इस तरह से जो स्वांति का की बूंद है समुद्र में वो श्वेत है बिल्कुल, इसलिए कहते हैं ना सफेद मोती की तरह चमक रहा है। वाह, लेकिन जो ये आर्टिफिशियल बना रहे हैं ये भी सीपी के ही पेट में बनता है, तो फिर नकली कैसे हुआ? पर सीपी को वैसी स्वांति की बूंद नहीं मिल पाती है जो समुद्र में मिलती है। वाह क्या बात है। मैंने एक उदाहरण कई बार दिया है, आप जब मध्याह्न के बाद सूर्य पश्चिमांचल की तरफ चलता है तो आप देखना उसकी अगर एक किरण आपकी खिड़की के छेद से अंदर आई तो एक धारा बन जाती है प्रकाश की अंधकार में। आप उसमें देखना अनंत अणुओं के घुमड़ते हैं उसमें, क्योंकि हम रहते ही अणुओं में। मैं लोगों को कहता हूं जो मुंह खुला रहता है जिसका हमेशा शर्तिया, उसे श्वास की बीमारी या टीबी होगी, क्योंकि नासिका से श्वास लेने से अलग बात है, हमारी नासिका में रोम है जो छान लेते हैं। लेकिन जो मुंह से श्वास ले रहा है तो वो छनती नहीं, सीधा फेफड़ों में जाती है। इस तरह वो रोम छोटे अणु आपको घूमते मिलेंगे। तो जो यहां फैक्ट्रियों में सीपीओ को रख करके मोती बनाए जा रहे हैं उनको वैसी शांति की बूंद नहीं मिलती है जो बिल्कुल प्यूरिकेट है। इसलिए मोती तो वो बनाती है, उसके पेट में सिस्टम है, हम जैसा आहार लेंगे वैसे तत्व हमें शरीर में मिलेंगे और शरीर वही तत्व धारण करता है। इस तरह जो आर्टिफिशियल मोती बन रहे हैं उतना स्वांति का निर्मल जल उसे नहीं मिलता है, प्यूरिकेट जल है वो। इसलिए पपिया अभी क्या करता है, कभी भी कितने भी जलाशय भरे हुए हो इतना ज्ञान है पपिया में, वो पानी नहीं पीता है, वो ऊपर ही जाता है। काफी अणुओं में पानी की बूंद मिलती है दूषित हो जाती है, लेकिन उससे पहले ही वो उसको रिसीव कर लेता है वहां। इसी तरह नाम का वो तो मोती कहलाता है लेकिन असली मोती नहीं है, मोती के सृजन में योग है स्वांति के जल का और सीपी का। इस तरह नाम पर साहब बोल रहे हैं, कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति ना होए, मूल नाम ये गुप्त है बूझे बिरला को। लिखो न जाए लिखा में नाही, बिन गुरु भेट भेद न होवे बताई। क्या करता है गुरु, अपनी सुरती में उस सत्ता को जोड़ता है, वो लाकर आप में ड्रॉप कर लेता है, यह नाम दान। अकह नाम सो कहा न जाई, पूरा गुरु हो सो समझाई। अब तमाम लोग साहब की वाणी को रिपीट भी कर रहे हैं, नाम काल पुरुष का देते। शब्द मान मैं तुमको दीना, जी को देह मुक्ति को छीना। अभी क्या बोल रहे हैं साहब धर्मदास जी को, बोल रहे हैं नाम रूपी बाण मैं तुम्हें दे दिया हूं, अब तुम नहीं घबराओ, अब काल पुरुष का उस पर असर नहीं पड़ेगा, बस आप अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। आप अनुभव कर रहे हैं नाम के अंदर आपको अमूल चूक परिवर्तन आया, क्या आया वो मैं बताना चाह रहा हूं। पहले जो जो मन चाहता था आपसे वही कराता था,
अब नहीं करा पा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। मन के हारे हारे मन ही के जीते, जीत पार ब्रह्म को पाइए मन ही के प्रति। इस प्रकार कहा कह रहे, मैं वो तुम्हें दे चुका हूं, अब तुम जीवों को बोलो। नाम पान से जी बचाई, सुरत शब्द शब्द सुरत ने जुगे बनाए। साहब ने किसी और योग को स्थापित ही नहीं किया, नाम। अगर आप इतिहास उठाए, ऋषि मुनियों की वाणी उठाए, तो नाम का इतना महात्म नहीं है। तप का महात्म है, योग का महात्म है, कलयुग में नाम का महात्म। कल में केवल नाम आधारा, सुमर सुमर भवोत्रो पारा। और ये थीम इस संसार में साहेब लाए हैं। सबका मूल ताहें गह लीजिए, सूरज संभारता है चित दीजिए। कह रहे हैं सबका मूल वही है। अब हम सब क्या बोलते हैं वो सुनिए, जो हमने अपने माँ बाप से सुना वही तो बोल रहे हैं, जो हमने किताबों में पढ़ा वही तो बोल रहे हैं। पर वो सब इनसे वो पोथिन में नहीं आवे नामा, वो नाम पोथियों में आने वाला नहीं है। डाल पत्र को जो कोई धरे, बिना मूल सो जीव न तरे। गुप्त नाम जो पकड़े भारा, आप तरे औरन को तारा। पूंजी मेरी नाम है, जाते सदा निहाल, कहे कबीर में पुरुष मल चोरी करे न काल। जो जीव होए नाम समाना, वह मुक्त सो लोक निदाना। वो मुक्त हो जाता है, निसंदेह लोक में जाएगा। हे सदगुरु, कहे धर्मदास संत के दासा, गुरु मेटो मेरो जम त्रासा, नाम ने अक्षर कहो उत्पानी, आप ते कैसे कैसे जाने। कहे कबीर शो शब्द लख, रहे सूरत लौ लीन, कबीर सूरत के समय निश्चय लोक को छीन। हर जगह साहब एक बात कह रहे कि भाई सूरत से देख सकी वह देश। अब सूरत अंधी है, आप देख रहे हैं भारत के अंदर 50 साल की उम्र के बाद 70% को मोतियाबिंद होता है, नमक खाने के कारण होता है। जितना मोतियाबिंद भारतवर्ष में लोगों को होता है कहीं भी नहीं होता है। जब मोतियाबिंद आंख पर आ जाता है तो एक पपड़ी जम जाती है, उस मोतियाबिंद के कारण फिर जीव देख ही नहीं पाता है, वो हटा दे फिर दिखाई देता है। इसी प्रकार कहे कबीर संसार को पड़ा मोतियाबिंद, जब ये पर्दा हटा देता है गुरु नाम की ताकत से हट जाता है। प्रकाश में एक ताकत है, अंधकार का शोषण करता है। इस तरह नाम हृदय के अंधकार को शोषित कर देगा। नाम बिना सभ्य सो ही ना, नाम बिना पापी सो कहिए, नाम बिना मूर्ख सो जाना, ऊंच वही जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच भगाना। कह रहे हैं नाम अमर मल्याग्र भाई, पीवत पे अमृत हो जाए। आप देख रहे हैं मल्याग्र में सांप बहुत है, चंदन भी है, मल्याग्र में चंदन भी है। अब सांप वहां चंदन पर क्यों लिपटे रहते हैं? क्योंकि चंदन ठंडा है और सांप अधिक गर्मी नहीं सह पाता है, लेकिन वो लिपटे रहते हैं चंदन पर उनका असर चंदन पर होता ही नहीं। एक जगह तो कह रहे हैं संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जाए। बांस बांस की मिश्री
एक है भाव विकार। भाई जैसे संग में जीव रहेगा वैसे उसका रंग चढ़ेगा। पर आगे क्या कह रहे हैं, जाकी उत्तम प्रकृति क्या कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिप्टत रहत भुजंग। इस तरह जो उत्तम पुरुष है उनको माया का प्रभाव प्रभावित नहीं कर पाते हैं, असर नहीं कर पाते। साहब कह रहे हैं रहो नाम लो लाई। नाम बिना पुण्य नरक ही पड़े, नाम बिना मूर्ख सुख ही है, नाम बिना पापी सुलही है। ऊंच वही जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच पकाना। हो नानक देव जी तो बहुत आगे बढ़कर एक शब्द बोले, बिना नाम मिष्टे का कीड़ा, क्योंकि उसका कभी भी अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। जैसे जैसे मन कहेगा वैसे करता जाएगा, लेकिन जहां नाम कालगत नहीं, नाम बिना सब काल की सही। ये सब उलझुल बातें नहीं है। यमराजा बर दारुण महाविकट ब्रह्मांड, ताके ढंका सुनते भय माने नौखंड। नाम खड़क धड़ राखहु गहो सुरत संहार, काल से जीव उबार के पठाऊं भौजल पार। नानक नाम जहाज हैं जो चढ़े से उतरे पार। इसलिए नाम एक अद्भुत ताकत है। जब है नाम हृदय धरा भया पाप का नाश, जैसे चिंगी आग की पड़ी पुरानी घास। बन्नो क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है, धन्यवाद, कल पुनः हाजिर हो जाऊंगा साहब।